हेलो स्टूडेंट, तो हिंदी में पार्ट 3 तक आपके हो गए हैं। आज हम पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या? राग की मटकी। तो मैंने बताया था कि इस पार्ट में जो होता है, इससे क्या सीख मिल रही है कि बच्चों को बिना मतलब की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके माता पिता उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो या तो उसमें उनकी कोई मजबूरी है, या फिर वो आपका भला चाह रहे हैं, इसीलिए वो आपको मना कर रहे हैं। तो आप समझदार बच्चे की तरह रहिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। रज्जो ने अपनी माँ की गले में दोनों बाहें डालकर कहा, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं। अम्मा, मैं जाऊँ यह ओढ़नी ओढ़कर? और फिर कई जगह से फटी तथा तार तार हुई ओढ़नी उसने माँ के सामने कर दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, गोविंदी उसकी मम्मी का नाम है, सबकी क्या कुछ हीरस थोड़े ही है बेटी, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं, फिर उनसे किस मुंह से कहा जाए। तेरे बापूजी को दुख होगा, और छड़ियों का मेला कोई वैसा बड़ा मेला भी नहीं, दशहरे पर जैसे भी बन पड़ेगा तुझे गबरून की नई ओढ़नी बना दूंगी। तो वो बच्ची जो होती है, वो अपनी माँ को कहती है कि सब नए नए कपड़े पहन के मेले में जा रहे हैं, तो मैं भी ये ओढ़नी उनके जाऊँ क्या? फिर वो ओढ़नी बताती है, जिसमें बहुत जगह क्या होता है, वो फटी हुई होती है, तार निकले हुए होते हैं। तो जो उसकी माँ होती है, जिसका नाम गोविंदी है, वो उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है कि क्या करें, खेती चौपट हो गई है, कोई धंधा नहीं है, तो तेरे बापूजी से कैसे कहूँ तुझे नई ओढ़नी दिलाने के लिए। तो और वैसे भी ये जो मेला है, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, दशहरे पर जब बड़ा मेला लगेगा ना, तब तुझे गबरून की नई ओढ़नी बना के दूंगी। आगे देखिए, हम तो नहीं, हम तो आज ही नहीं लेंगे, बालिका मचल गई और रोते रोते सो गई। डूंगर ने रात को खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से कहा, बच्चों का मन माँ बाप तन पेट काट कर भी रखते हैं, पर हम लोग अभागे तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते, मन कहाँ से रखें, यह सब यह राब की मटकी रखी है ना। तो वो कहता है कि वो लड़की जिद कर लेती है कि नहीं, मुझे तो आज ही लेनी है, और ऐसा करते वो रोते रोते सो जाती है। रात को जब उसके पिता जो होते हैं, वो खाट पर लेटे रहते हैं, वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि बच्चों का जो मन होता है, वो माँ बाप जो है, वो अपना पेट काट कर, तन काट कर भी उनका मन रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग तो इतने अभागे हैं कि तन की और पेट की कमी भी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो मन कहाँ से रखें। तो आगे देखते हैं,